केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सशस्त्र क्रांति से पैदा हुई देशभक्ति की ज्वाला ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने में मदद की, लेकिन दुर्भाग्य से इन प्रयासों का इतिहास की पुस्तकों में उचित महत्व नहीं दिया गया। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की पुस्तक रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विन इट्स फ्रीडम के विमोचन के अवसर पर की बात कही। मैं आज इस मंच से इतिहास के विद्यार्थियों का और इतिहास को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश के गौरव को व्याख्यायित करे इस प्रकार से कोई तोड़ मरोड़ करे बगैर वास्तव दर्दी गौरवमयी इतिहास की रचना अब हो सकती है या नहीं हो सकती। मेहनत कर रिसर्च कर हम क्या ऐसे 300 व्यक्तित्व ढूंढ सकते हैं जिन्होंने भारत को महान बनाया? एक गलत अवधारणा इतिहास से सर्जित हुई जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं कि पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया, वो मुंह जबानी बताया जा सकता है। क्या हमारे इतिहास के विद्यार्थी और प्राध्यापक इस पर रिसर्च कर लिख सकते हैं क्या? सन 57 के पहले और सन 57 के बाद कभी भी इस देश के किसी भी कोने ने अंग्रेजों को स्वीकारा नहीं। एक एक इंच जमीन के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है, लड़ना पड़ा। ये क्या संघर्ष नहीं है आजादी बरकरार रखने का, आजादी को बचाकर रखने का? इसको क्या इतिहास में से आप नहीं मिलना चाहिए? ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के लिए कुछ न प्राप्त होने की स्थिति में भी ये लड़ाई लड़ी और मैं मानता हूं कि सन 57 की लड़ाई ने ही इस देश की जनता के मन में स्वराज के संस्कार शिवाजी महाराज के बाद पहली बार डालने का अगर कोई प्रयास ने काम किया तो 1857 की क्रांति ने किया और वहीं से हमारी आजादी की लड़ाई की भूमिका वहीं से शुरू हुई, इसकी नींव वहीं से डली गई। चाहे सशस्त्र क्रांति का इतिहास देखो या कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन देखो, इसकी नींव ढूंढने जाएंगे तो 1857 की क्रांति के अंदर से ही निकलेगा। इस सब चीजों को समाहित करने की जिम्मेदारी, सच्चे ऐतिहासिक तथ्यों को देश की नई पीढ़ी के सामने रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती। मैं मानता हूं इतिहासकारों ने भी इसमें आगे आना चाहिए। सान्याल का भारत और भारतीयता का लिए जो जुनून है वो देखकर मैं कई बार सोचता हूं, एक बार मुझे लेकर निकले नॉर्थ ब्लॉक में, मुझे विचार आया ये व्यक्ति कभी निराश तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।